ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी में घमासान है, मुख्यमंत्री को फर्क नहीं पड़ रहा, कोई अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए नाराजगी दिखा रहा है, लेकिन इस बीच से मुड़ा बिल्कुल निश्चिंत है, उनकी चौधराहट बरकरार है और वो कहते हैं कि जिसको जाना है जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई प्रजातंत्र है, हर आदमी आजाद है, बहुजन पार्टी में जाना चाहिए। किसी के जाने से कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको जहां जाना है चला जाए। ये कठोर बयान है सीएम हुड्डा का। बार बार की गीदड़ भभकी से तंग आकर हुड्डा ने भी हड़काना शुरू कर दिया है, जैसे को तैसे के अंदाज में जवाब दे दिया है। सीएम साहब सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि किसी के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस को नुकसान होगा उसका कुछ? कांग्रेस का व्यक्तियों से नहीं होता, कांग्रेस मजबूत आ रही है। हुड्डा के इस दबंग रूप को देख के तो यही लगता है कि उन्हें किसी की परवाह नहीं, लेकिन ये बेपरवाही कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएगी या फायदा पहुंचाएगी, ये बता पाना मुश्किल है। शाहबाद से रणदीप रोड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। मुख्यमंत्री ने कह दिया है जाना है तो जाओ, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रीना भारती जी, फर्क पड़ता है या नहीं? देखिए उनकी अपनी सोच है जो उन्होंने कहा, लेकिन मेरा मानना है कि फर्क तो पड़ता ही है। किसी के जाने से यहाँ कांग्रेस में थोड़ी बहुत कमजोरी आती है तो दूसरे को बल भी मिलता है। लोकसभा के चुनाव में भी जैसे आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर जो नेता यहाँ से गए थे, वो जाते के साथ में दूसरी जगह पर उनको मंत्रिमंडल भी मिल गया और वो जीत भी गए। वहाँ पर उन्होंने फ़ायदा किया है तो यहाँ हमारा नुकसान भी हुआ है। इसमें ये कहना कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कार्यकर्ताओं में दो फाड़ की स्थिति होगी। हाँ बिल्कुल होगी, बहुत अधिक मात्रा में कार्यकर्ता। चौधरी वीरेंद्र सिंह बहुत कद्दावर नेता है और उनके साथ में कार्यकर्ताओं की बहुत ज़्यादा संख्या है। आपने पिछले दिनों में देखा होगा वो जहाँ भी जाते हैं उनका भव्य स्वागत किया जाता है, तो उनके साथ में नेता होने के साथ में उनके अपने जो गुण हैं उसकी वजह से भी लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं। और नुकसान तो पार्टी का होगा ही होगा, और अगर ये कहा जाता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है तो देखिए मैं समझती हूँ कि इस तरह से अगर कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है और बूंद बूंद से घड़ा भी रिस के खाली हो जाता है, ये मेरा मानना है। अमित तेरा जी, इशारा सुन लिया आपने, समझ लिया आपने क्या स्थिति होने वाली है? मैं इस बात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में हूँ, बिल्कुल बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा वीरेंद्र सिंह के बीजेपी में जाने से कांग्रेस के ऊपर। उसकी एक वजह है, क्योंकि जींद में कांग्रेस बची ही नहीं है, तो फर्क क्या पड़ेगा जी, जब वहां पे है ही नहीं कांग्रेस पार्टी। वर्ष 2009 और जींद के अलावा वीरेंद्र सिंह का प्रभाव किसी अन्य इलाके में नहीं है। सुनिए, पहले वर्ष 2009 से शुरू करते हैं हम। वर्ष 2009 में विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला ने वीरेंद्र सिंह के सामने चुनाव लड़ा जी। वीरेंद्र सिंह चारों खाने चित्त हो गए, शेर की मांग में जाके चुनौती दी थी, शेर चित्त हो गया। उसके साथ साथ पांचों विधानसभा सीटें इन लोगों की झोली में आ गई। इसका मतलब कांग्रेस का सुपड़ा साफ। उसके बाद देखिए वर्ष 2014 के इलेक्शन में पांच में से तीन विधानसभा क्षेत्रों में इन लोगों के कैंडिडेट आगे रहे हैं और दो में बीजेपी के। कांग्रेस है कहां, फर्क कहां पड़ेगा कांग्रेस को वीरेंद्र सिंह के? लेकिन वीरेंद्र सिंह को फर्क जरूर पड़ेगा। वीरेंद्र सिंह को फर्क इसलिए पड़ेगा कि वहां पे कांग्रेस है नहीं, इनेलो का कब्जा है या फिर बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है, तो बीजेपी वाले को अपने पक्ष में करके वो उसका लाभ ले सकते। वो हरे रंग पे भगवा रंग चढ़ाना चाहते हैं वीरेंद्र सिंह, उसके बाद की जो केमिस्ट्री होगी उसका लाभ लेना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। मलिक साहब, हाँ मैं, ये मेरे साथ इत्तफाक है कि मैं बार बार जो है अमित जी के खिलाफ जा रहा हूँ। जब सत्ता से बाहर आदमी हो जाता है तो उसकी स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है। चौधरी वीरेंद्र सैड एंड हो चुके हैं, अच्छे नेता ज़रूर हैं, लेकिन आज की तारीख में देखिए जैसे खुर्शीद हैं, आफ्ताब हैं, ये मेवात के कभी किसी ज़माने में उनके बड़े अच्छे संबंध थे, आज की तारीख में उनका नाम भी लेना नहीं चाहते लोग। चौधरी वीरेंद्र सत्ता से बाहर ये मान लीजिए, और ये जो नेहरा साहब कह रहे हैं, जो गणित हमें समझा रहे हैं,
लोकसभा का चुनाव तो किसी और मुद्दे पे लड़ा गया और उसको हम इससे नहीं जोड़ के देख सकते। अभी इनके समर्थकों ने यहाँ कोई मीटिंग करी थी यहाँ झाड़सा में, कोई नहीं आया। कितने लोग आए, फोन कर करके बुलाए। एक खास पॉकेट में उनका प्रभाव हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, चौधरी बीरेंद्र की बात, पूरे हरियाणा को के कांग्रेसियों को प्रभावित करते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आज की तारीख में चौधरी बीरेंद्र, कम से कम दक्षिण हरियाणा में तो उनका कुछ नहीं चलने वाला। लेकिन बात यह आती है ना कि भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल कैसे करती है, भारतीय जनता पार्टी उस चेहरे को यूटिलाइज कैसे करना चाहती है, नया नाम तो वो है नहीं। देखिए ये तो बात बिल्कुल सही है कि हर विपक्ष जो सत्ता में आना चाहता है वो सारे ऐसे किल पुर्जे इस्तेमाल करना चाहेगा ताकि वो अपने आप को आगे आ सके। उनको लग रहा है कि एक बड़ा जाट नेता जिसकी उनको कमी महसूस हो रही है, चौधरी बीरेंद्र के रूप में वो आ रहा है। अब वो खासतौर से जाट बहुल इलाके में उसको इस्तेमाल तो कर सकते हैं, उनका दक्षिण हरियाणा में चलने वाला नहीं है। और किसी को मुख्यमंत्री बनना है तो दक्षिण हरियाणा में भी अच्छा करना पड़ेगा, ये तो आपको मानना पड़ेगा। देखिए मनीष जी, बात किसी क्षेत्र विशेष की नहीं है। जींद जो है वो मध्य हरियाणा है बिल्कुल, और वो बीजेपी के लिए बंजर है, और वही स्थिति कांग्रेस के लिए बनती जा रही है। आप अगर इतिहास उठा के देखें तो चौधरी देवीलाल ने अपने न्याय युद्ध की शुरुआत भी जींद की धरती से की थी। जींद का इस्तेमाल होता है जींद रणनीतियों के लिए, हीरवाल, जींद की कंपैरिजन हीरवाल से करना अन्याय होगा। जो जाटलैंड है वो वहां पे क्या है कि अहिरवाल में अब भी कांग्रेस स्टैंड कर रही है, बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से होगा। यहाँ पे इनेलो है ही नहीं, है तो बहुत कम है। वहां की आप मनोदशा को समझिए जींद की। जींद एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, और 5 विधानसभा क्षेत्र में 3 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, हिसार, सोनीपत, सिरसा और सोनीपत। आप उसके महत्व को देखिए। वीरेंद्र सिंह का जनाधार बिल्कुल खिसक चुका है, वीरेंद्र सिंह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए झंडा थामना ही थामना है, वो बीजेपी का हो। आप ये देखिए, कुछ दिन पहले आप राग अलाप रहे हैं कि मुझे मेरे समर्थकों के लिए 30 सीटें चाहिए कांग्रेस में, और आप कुछ ही दिन बाद अपना सुर बदल लेते हैं और कह रहे हैं कि अगर आज इलेक्शन होंगे और सीएम अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कंटिन्यू रहेंगे तो कांग्रेस को 7 सीटें आएंगी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चेंज कर दीजिएगा तो 7 और आ जाएंगी, यानी टोटल 14 सीटें आ जाएंगी। आप अगर 30 सीटें ले भी लेंगे तो 14 में आपके हिस्से में आएगा क्या? उनके बयान खुद उनकी मनोस्थिति को बयान कर रहे हैं। नहीं, ये हम समझ सकते हैं, जिस तरीके की उहापोह की स्थिति है उसमें ये बात निकल सकती है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चौधरी बीरेंद्र सिंह का, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बीरेंद्र सिंह के जो समर्थक कार्यकर्ता हैं रीना जी, उनके लिए कितना लाभदायी मानती हैं आप, क्योंकि आपकी भावना लगभग क्लियर हो चुकी है अब भारतीय जनता पार्टी के पास में। देखिए उम्मीद के साथ जो कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह के साथ, भारतीय जनता पार्टी के पास, मैडम ये कह रहा हूं मैं कि जो उम्मीद के साथ वीरेंद्र सिंह के समर्थक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, उस उम्मीद की पूरी होने की संभावना है? उम्मीद तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के, जहाँ तक मैं कहना चाह रही हूँ कि अभी तक उनके पास में उनका गठबंधन ही क्लियर नहीं हो पा रहा कि गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। अगर 45 सीटें कहते हैं वो, अगर उनके भारतीय जनता पार्टी के पास में आएगी तो भारतीय जनता पार्टी के पास में 45 उम्मीदवार नहीं, मैं भी नहीं ये है। मैं देखिए सीधा सीधा जानना चाह रहा हूँ, छोड़िए गठबंधन की बात, छोड़िए, नहीं वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो आप उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में जाती हैं या वीरेंद्र सिंह का समर्थन आप करती हैं, तो क्या आप वीरेंद्र सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी से कुछ चाहेंगी? नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फायदा होगा, क्योंकि आप क्या चाहेंगी वीरेंद्र सिंह के समर्थक, क्या चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी से? यही वो अपने अस्तित्व की लड़ाई है, यही चाहेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब वो जाएं तो वहां उनकी जो स्थिति है सम्मानजनक हो, उनको जो है सम्मान की दृष्टि नहीं, उनको तो सम्मान मिलेगा, उनके साथ जो समर्थक जाएंगे उनके सम्मान की बात मैं कर रहा हूँ आपसे।
बीजेपी में तो देखिए अभी दरवाजा खुला है, जो जाएगा उसका सम्मान तो होगा ही होगा, क्योंकि उनके पास अभी अपना इतने सालों का उनका इतिहास है कि उन्होंने 46 सीटें यहाँ पर जीती हैं, और उन अब की बार में अगर वो कहते हैं कि अपने दम पे वो 90 सीटों पे खड़े होते हैं तो उनके पास में 90 उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस से जो छूट छूट के लोग जा रहे हैं वो उन्हीं की उम्मीदवारी के ऊपर अपना ये चुनाव लड़ेंगे। चलिए अब इसमें सतर्कता बरतिएगा, क्योंकि आपका रुझान दिख गया है कि आप लोगों का स्टैंड क्या होने जा रहा है। यह अलग बात है कि तमाम जो विश्लेषक हैं वो बीरेंद्र सिंह की शक्ति को बहुत कमतर आंकते हैं, लेकिन बीरेंद्र सिंह के साथ कुछ कार्यकर्ता भी हैं, उन कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी से बहुत उम्मीदें होंगी बीरेंद्र सिंह के साथ साथ। बहुत शुक्रिया आपका मलिक असगर हाशमी साहब, अरुणा भारती मैडम और अमित नेहरा जी इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। कांग्रेस में उहापोह की स्थिति है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता इस बात के अब संकेत देने लगे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं रहेगा तो उनके पास नेता के चयन का विकल्प भी खुला रहेगा, यानी कि हुडा नहीं तो बीरेंद्र। नमस्कार।